नमस्कार, मैं त्रिलोकपुरी में मौजूद हूँ। कल हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम आने हैं और उसके बाद सरगर्मी, चूंकि दिल्ली एमसीडी के चुनाव के बढ़ जाएंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव के मद्देनजर तमाम जगहों पे हम कोशिश कर रहे हैं समझने की, क्योंकि जब एमसीडी चुनाव होता है तो उसके तमाम चीज़ों को समझा जाता है, सरकार के काम को समझा जाता है। चूंकि ये दिल्ली है और दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल सरकार की नीतियों पर बात होगी। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, वहीं एक भाजपा के नेता भी हैं, त्रिलोकपुरी में मौजूद हूँ, जफर रिजवी। हम उनसे बात भी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली सरकार ने जो काम किए हैं वो कितने नीतिगत हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जफर भाई, आपका स्वागत है। आप मुझे ये बताएं कि दिल्ली सरकार ने जो फैसले किए हैं या जो फैसले हो रहे हैं, दिल्ली सरकार तो कहती है कि हमने बहुत अच्छा शिक्षा पे काम किया है, हमने बहुत अच्छा सड़कों पे काम किया है, बिजली पानी सब फ्री दे रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, एक आदमी की दो नीतियाँ हैं, एक जबान से दो भाषा बोलता है। कि पंजाब में कहता है कि नशा मुक्ति केंद्र बनाऊंगा, नशा मुफ्त करूंगा इसको पंजाब को, और दिल्ली के अंदर में शराब के ढेके खुलवा रहा है, एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री दे रहा। अब विकास करना है, कुछ फ्री देना है तो दूध महंगा हो गया, दूध की तेल के साथ दूध फ्री दे, तेल के साथ में तेल फ्री दे, भाई ये होना चाहिए। आज त्रिलोकपुरी के अंदर में इतना बड़ा, त्रिलोकपुरी के मैं कह रहा पूरी दिल्ली के अंदर, हम तो अपनी कॉलोनी को जानते हैं कि इतना बड़ा इसने शराब का ढेर लेके जो है ना, इतना बड़ा आतंक मचा दिया इसके अंदर में कि निकलना बढ़ना लोगों भारी पड़ गया। शराब नगरी इतनी बन गई है कि लोग घर से निकलते में डरने लगे हैं, इतने की पी के सड़कों पर लेट रहे हैं, कुत्तों के गले में माला डाल के लेट रहे हैं, हाथ डाल के लेट रहे हैं। क्या विकास कर रहा है ये, क्या क्या इसने आज तक इतने वादा करा था कि मैं इतने 5,000 स्कूल बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, या वो बोल, कोई इसने ना हॉस्पिटल बनाया ना स्कूल आज तक कोई इतिहास में हो तो बताओ मुझे। मोहल्ला क्लिनिक आपके यहाँ बेहतर चल रहा है, आप जानते हैं? सब घोटाला है, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, सब घोटाला, दवाई का घोटाला हो रहा, सब चीज़ का घोटाला है इसका, कोई नहीं जाता मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, डॉक्टर नहीं मिलता मोहल्ला क्लिनिक में, डॉक्टर नहीं बैठ, डॉक्टर नहीं मिलते, मौके पे जाओ तो कोई डॉक्टर नहीं मिलता। शिक्षा का कैसा काम हुआ, स्कूलों की स्थिति? देखिए, शिक्षा के तो आपको मालूम है कि कोरोना तो चल ही रहा था, वैसे उससे पहले भी खास शिक्षा में कोई नहीं, सब आदमी हर आदमी अपने प्राइवेट में लेके जा रहा बच्चों को। पहले ये था कि भाई केजरीवाल आ गया, चलो बच्चा थोड़ा पढ़ेगा, लेकिन वो नहीं, वो चीज़ नहीं है। तो केजरीवाल सरकार लगातार बेहतर बता रही है अपने शिक्षा को, अभी कल ही बताया है कि कई सारी नई बसें आ रही हैं जिससे सुविधा बढ़ेगी, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, शराब फ्री है। नहीं, शराब तो फ्री दे ही रहा है वो जी, भाई बिजली पानी क्या फ्री दे रहा है वो, भाई शराब फ्री दे रहा है, सब उन्होंने बिजली पानी के चक्कर में शराब को ले लिया जी। सबसे बड़ी कॉलोनी दिल्ली को जो डुबोने का काम कर रहा है केजरीवाल, वो यही पे कर रहा है कि शराब पी पी के लोग वो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये भाजपा का विरोध नीति है या आम लोग भी से इस, आम लोग विरोध कर रहे हैं इसका, आम लोग विरोध, आम लोग बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, जो अच्छे सामाजिक आदमी है वो, जिम्मेदार आदमी बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के आदमी हो, खुद केजरीवाल के लोग विरोध कर रहे हैं चीज का, कि गलत है ये चीज, और वो पैसा कमाने के लिए ये चीज काम कर रहे हैं, सब कुछ पैसा थोड़ी होता है। हम और लोग से भी पूछते हैं, क्योंकि पूरी दिल्ली में शराब पर शराब फ्री दी जा रही थी, पेटी पे पेटी फ्री, बोतल पे बोतल फ्री, तो तमाम ये भीड़ भी है, हम उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये नीतिगत सही था या गलत था। हम आम लोगों से भी बात करते हैं। आप अपना नाम बताए? मेरा नाम है मोहम्मद शमसुद्दीन। मोहम्मद शमसुद्दीन, शमसुद्दीन जी, ये जो सरकार की नीति है एक बोतल पे बोतल फ्री, आपको क्या लगता है ये गलत है जी? बहुत ज्यादा गलत कर रखा है ये, गलत कर रखा है बहुत ज्यादा। कम उम्र के बच्चे शराब पीने लग गए तो वहाँ तो आईडी देख के दिया जाता है। नहीं सर, हर जगह कोई बड़े आदमी कोई भी पैसे दे के मंगा लेता है, लेकिन हमारी नजरों में इस समय बड़ी चीज गलत है, ठीक बात नहीं है, ठीक नहीं है जी। तो अब की किसको वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ। तो बीजेपी को वोट क्यों देंगे जी? बीजेपी सब चीज का भलाई, अच्छी चीज सोचती है, हर चीज में नंबर वन है, ठीक है। केजरीवाल ने कराया क्या अभी तक? तो आपको कौन लगता है कि यहाँ से बीजेपी के लिए बेहतर कैंडिडेट होगा? हमारे नजर जफर भाई है, हम इन लोग के पीछे हैं। जफर भाई के पीछे हैं? हाँ जी। और जफर भाई को टिकट नहीं मिलता है तब क्या स्थिति होगी? जब भी हम जफर भाई के पीछे हैं भाजपा को जिताएंगे। हाँ जी। टिकट मिले या ना मिले, आप जफर भाई के साथ हैं। हाँ जी। जफर भाई को आप लोग सब लोग चाहते हैं। हाँ। और मैं बात करता हूँ कुछ लोगों से, आप इधर आए भाई साहब, आप क्या लगता है कि सरकार के जो 5 सालों के काम हैं, नीतिगत जो फैसले थे, वो सही हैं केजरीवाल सरकार के? बिल्कुल गलत है जी। गलत है? हाँ जी।
अब निगम चुनाव सर पर है, किसको वोट देंगे? बीजेपी को। क्यों बीजेपी को? हम जफर भाई के साथ हैं। जफर भाई के साथ हैं। हाँ जी। जफर भाई को अगर सपोज कीजिए जफर भाई को टिकट नहीं मिला, दूसरे किसी व्यक्ति को मिला, तो भाजपा को जिताएंगे? हाँ जिताएंगे, जफर भाई के साथ चलेंगे। जफर भाई के साथ ही चलेंगे। तो ये मैं त्रिलोकपुरी में मौजूद था, त्रिलोकपुरी में समझने की कोशिश कर रहा था कि कितने शराब के ठेके खुलने चाहिए जो सरकार के लोग अपनी वाहवाही जता रहे हैं, वो जमीन पर क्या स्थिति है वो समझने की कोशिश कर रहे थे। भारी विरोध है शराब के ठेकों का। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।